मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में पिछले 7 कारोबारी सत्रों में 42% की तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही इस स्टॉक के वॉल्यूम में 4 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी को हाल ही के दिनों में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में भारी खरीदारी आई है। पिछले 1 महीने में इस स्टॉक के डिलीवरी वॉल्यूम में 5.48% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 7 अक्टूबर यानी आज के कारोबार में ये स्टॉक करीब 38 रुपए यानी 6.37% की बढ़त के साथ 632.95 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 130% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक इस स्टॉक में 113% की तेजी आई है। वहीं पिछले 3 महीनों में इसमें 128% की तेजी देखने को मिली है। एक्सिस सिक्योरिटीज PMS के पोर्टफोलियो मैनेजर निशित मास्टर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कंपनी अक्टूबर महीने में भारतीय नौसेना को 8,500 करोड़ रुपए के डिस्ट्रॉयर की सप्लाई करेगी। जब किसी ग्राहक को डिलीवरी दी जाती है तो संबंधित कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी होती है, जिससे इस शेयर में तेजी आई है। इसके अलावा कंपनी को कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी हाल ही में 2,500 कंटेनर की सप्लाई का ऑर्डर मिला। इसके अलावा कंपनी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से भी लॉन्च बोट का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को स्वदेशी मिड ग्रेड सबमरीन की डिजाइन और डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में कंपनी के पास 43,300 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, जबकि कंपनी को 7 से 8 अरब डॉलर के और ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है और ये डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। चॉइस ब्रोकिंग के ओम मेहरा का कहना है कि ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि इसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। इसके अलावा डेली मोमेंटम इंडिकेटर स्टोकास्टिक भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, जो इस स्टॉक में और तेजी आने का संकेत है। बता दें कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो किसी शेयर के खास क्लोजिंग प्राइस की तुलना एक तय अवधि के बीच उसके शेयर प्राइस से करता है। ओम मेहरा का कहना है कि जिनके पास ये स्टॉक पहले से है, वो वर्तमान लेवल पर आंशिक मुनाफा कर सकते हैं। जो इस स्टॉक में नई खरीदारी करना चाहते हैं, उनको इसके 530 से 540 रुपए के जोन में आने का इंतजार करना चाहिए। उनका मानना है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 660 से 670 रुपए का स्तर दिखा सकता है। वहीं प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारक का कहना है कि ये स्टॉक इस समय काफी ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है, ऐसे में हमें आंशिक मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेड अभी भी मजबूत बना हुआ है। अगर ये स्टॉक 520 से 515 रुपए के नीचे फिसलता है तो इसमें कमजोरी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस स्टॉक में 530 से 540 रुपए के जोन में आने पर इस स्टॉक में कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन होता है तो ये स्टॉक को और हेल्दी बनाएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।